हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्मॉल बिग थिंग्स। आई एम डॉक्टर वाघ और आज का हमारा टॉपिक है बैच फ्लावर रेमेडीज। दोस्तों, हम हमारे यूट्यूब चैनल स्मॉल बिग थिंग्स पे एक फ्री ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं जो होगा बैच फ्लावर रेमेडीज पे। दोस्तों, ये कोर्स बिल्कुल भी फ्री है, इसीलिए आप मेरे चैनल स्मॉल बिग थिंग्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार में लोगों के साथ शेयर करके उनकी भी नॉलेज बढ़ाने के लिए मदद करें। हम हमारे चैनल पे ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियोस लाते हैं और समाज को हेल्दी बनाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, बैच फ्लावर रेमेडीज, यह डॉक्टर बैच एडवर्ड, इन्होंने इंग्लैंड में फूलों से कुछ दवाइयाँ बनाई, इसीलिए इन दवाइयों का नाम बैच फ्लावर रेमेडीज है। यह टोटल 38 दवाइयाँ है और 39 दवाई जो है वो है रेस्क्यू मेडिसिन। रेस्क्यू मेडिसिन यह आपातकालीन स्थिति या मानसिक तौर पर बैठने वाले शौक के लिए दी जाती है, जो इन 38 दवाइयों में से ही 5 दवाइयों का मिश्रण है। ये बैच फ्लावर रेमेडीज बच्चे हो, बड़े हो या बुजुर्ग हो, इन लोगों में इमोशनल इम्बैलेंस हो या बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हो तो उनके करेक्शंस के लिए दी जाती है। ये दवाइयाँ आपकी साइकियाट्रिक मेडिसिन के साथ भी ले सकते हैं। इनका डोज दिन में 4 से 5 बार एक साथ 3-3 दवाइयाँ भी आप ले सकते हैं। क्रॉनिक इलनेसेस यानी पुरानी बीमारियों में ये दवा बहुत ही अच्छे गुण दिखाती है। दिन में 4-5 बार एक साथ 3 दवाइयाँ लेने पर भी इन दवाइयों का कोई भी ओवरडोज का इश्यू नहीं होता। इन दवाइयों से कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं आते। इन फूलों की हीलिंग प्रॉपर्टीज़ यानी गुणों की वजह से हम इनका इस्तेमाल एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, डर हो या निराशा हो, ऐसे काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके टोटल 7 ग्रुप होते हैं। पहला ग्रुप है फियर यानी के भय, दूसरा ग्रुप है डेस्पेयर या डेस्पोंडेंसी यानी के निराशा, तीसरा ग्रुप है ओवर केयर फॉर वेलफेयर ऑफ अदर्स यानी दूसरों के भलाई के लिए बहुत ही चिंतित होना, चौथा ग्रुप है ओवर सेंसिटिवनेस टू आइडियाज, पांचवा ग्रुप है अनसर्टनटी यानी कुछ भी फिक्स नहीं होना, छठा ग्रुप है लैक ऑफ या इनसफिशिएंट इंटरेस्ट इन प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस यानी कि अभी जो स्थिति चल रही है उसमें कुछ खास इंटरेस्ट ना होना या लगाव ना होना, और सातवां ग्रुप है लोनलीनेस यानी के अकेलापन। दोस्तों, इन दवाइयों की एक ही पोटेंसी आती है जो है 30, तो आप आँख बंद कर ये दवाई खुद ले सकते हैं या आपके परिवार में किसी को दे सकते हैं।